नाज़रीन मिरपुर खास शहर के अंदर ताज़ो जो 80 का वधिक स्वीपर अमलो स्टाफ थो भर्ती थो जैमें सिविल सोसाइटी और मिरपुर खास की इंतजामिया गड़ी कर 80 मानन के भर्ती तो कयो, मगर अफसोस जड़ी गाल उ साग्या मानू अज फोटो सेक्शन ला करे मिरपुर खास शहर जो विजिट तो कर शहरवासी जो सरापा एहतजाज बणियल उन चवण तो मिरपुर खास शहर में बिल्कुल सफाई थे ही को ऑफिसर अचन था तो सिर्फ चक्कर काटे हलिया था वन जे मू भर्ती कया अन शायद वह जे इन गड अमले में गडन वो इन करप्शन में मुलवसन इन गाल बोलता करें उन्होंने ये महल्ले के अंदर मस्जिद है, एक आदमी भी यहाँ पे सफाई के लिए नहीं आता है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। मस्जिद में नमाजी आते हैं उनके वजू के लिए कपड़े होते हैं ख़राब हो जाते हैं, कोई देखभाल नहीं है, कोई परेशान हाल नहीं है मीरपुर खास का। आप इस पूरे रोड को देख लो, खाली रोड का ज़ियारत करने के लिए आए और ऐसे ही वापस चले जाएंगे और फिर कोई इसका हल नहीं होगा। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए, कुछ ना कहना, हमने 80 बंदे भर्ती किए, हर इलाके को बंदे दिए, स्वीपर अमला दिया है, ये सफाई करेगा। आप देख रहे हो कहीं सफाई नजर आती है? मुझे ना नजर आई है ना होती हुई नजर आ रही है। ये मसला 5-6 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और हम लोग परेशान होते रहते हैं। अरशद भाई, मिरपुर खास के अंदर तकरीबन 80 से ज्यादा बंदे अभी इन्होंने भर्ती किए जिनको 450-500 रुपए ये देते हैं। आज ये जितने भी लोग हैं, आप क्या समझते हैं ये आज शहर के भले के लिए काम करते हैं या ये काउंसलर और ये म्यूनसिपल कमेटी वाले सारे आपस में मिलजुल कर ये करप्शन करते हैं? बस यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, ये हर दफ़ा ऐसे आ जाते हैं। इस दफ़ा मुझे बात करने का मौका मिला है, ये पीछे मस्जिद बैतुल मुकर्रम है और ये पूरा महल्ला या जितने, हालांकि यहाँ पे DSP साहब के PA भी रहते हैं पीछे गली में, दाऊद पोटे साहब, वो बेचारे पानी में से गंदे पानी में सो के जाते हैं, बच्ची मदर से आती हैं गंदे पानी में सो के आती हैं, कोई परेशान हाल नहीं है, कोई यहाँ काम करने नहीं आता है। ये सामने कुएं वाले बैठे हैं, इनको बोल बोल के थक जाते हैं कि भाई आ जाओ मस्जिद का पानी निकलवा दो, यहाँ से पानी साफ कर दो, कोई भी यहाँ तशरीफ नहीं लाते, सब आते हैं फोटो सेशन करके यहाँ से जाते हैं। बदबू वगैरह होती है जो ये पानी आपके? यहाँ आप एक रात नहीं गुजार सकते, इतनी बदबू होती है, पीछे कचरे का ढेर है। इधर तो बड़े बड़े लोग आके फोटो सेशन करके गए, कोई काम कराने को तैयार नहीं है। यहाँ पहले एक नाला था, अभी इस रोड पर 3 नाले बने हुए हैं, ये एक नाला बनाया करोड़ों रुपये लगाकर, इसको मेन लाइन से मिलाने के लिए तैयार नहीं है भाई, ये नाला बना के आगे छोड़ दिया है। उस नाले का पानी मस्जिद की तरफ आता है, आबादी में घुसता है, कोई काम नहीं कर रहा है, सब ऐसी बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के काउंसलर भी साथ हैं और म्यूनिसिपल कमेटी का भाई, ये साथ हैं बस, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये लोग आते रहते हैं, वक्तन फवक्तन आते हैं, बातें करके यहाँ से चले आते हैं। अभी ये रश लगा हुआ है, ये चले आएंगे, एक भंगी भी यहाँ पे नहीं आता काम करने, कोई भी नहीं आता। अभी जो इन्होंने भर्ती किया, क्या समझ रहे हैं आप यहाँ? अल्लाह करे ये काम करें, सुना है इनको पैसे मिले, ये काम करेंगे, नाला डालेंगे। वो पीछे आगे भंगियों का पाड़ा है, वहाँ तक नाला डाला है, उससे आगे कोई मुसलमान आबादी है, कोई नाला नहीं डालने को तैयार। असा दिखो है कि ये बना विजिट से आया हूँ, असें खबर पी कि कुछ सुपर नवा भर्ती थे उन्होंने दिसण के लिए मेन रोड से बटे सुपर डिठो डंडा झली बिठा हुआ, लेकिन इतने जो मेन मार्केट मना शहर के अंदर आया आयो तो मना गंदगी जो हाल भरो पो है, ये पानी जो गटर लगो पो है 1.5 महीने का जो है, कुएं जो पाइप निकल पो है, पाइप अची पो है, पो भी लगे को तो अलाये छा मसलो है। ये पान की आपस में लड़ाई में आवाम के जो है नुकसान अचे पो। कैंजी लड़ाई है, छाते इलन की लड़ाई है? सर लड़ाई तो नोटन की है, पो कड़ी होंगी माना नोट की लड़ाई लगी पी है, नोट की लड़ाई में आवाम के नुकसान थे पे, आवाम जो कड़ो कसूर है, जो पाइप अची पायान 1.5 महीने का वो पाइप लगन छो को इतने गटर की हालतूँ बुरी हैं, रोड जो नाला जो भरा पायान, रोड का मथे नालो हल पो, सफाई सफा को जिथे ऐसू चूँ स्वीपर तू चे तो स्वीपर को स्वीपर अगर भर्ती थे चाहे वो कड़े भी पार्टी जहा होजन, लेकिन कम करो है बल्दिया वन के तो उनसा कम खड़न, कम न करें तो उनके फारिग कर सके तो बल्दिया जो चेयरमैन के अगर वो परती थी चुका उनका कम वटे शहर की सफाई कराए। जिम्मेदार कंखे करार था करे सर? हाँ ये तो बल्दिया असा तो लाजमी गाल नालो बल्दिया चेयरमैन से इंदो जो उनकी जो है सिस्टम हलायण तरीको ना है या तो इन शहरवास विचार बुदा इन चवण तो मिरपुर खास शहर जो ये मेन इलाको है इतने जो है केतन दिन का गटर जो पानी उथलण के करे मासूम बारड़ा बीमार वन एतरे ती मस्जिद में मानो नमाजी को नमाज तो को वही सकन उन हवाले से इलाके वासन एहतजाज भी किया इनसा गाल बोलता करियो छा चवणा। ये अभी चेयरमैन नया नया आया है, उसके अलावा बल्दिया का सारा अमला है, कहाँ काम कर रहा है आपके शहर की तो बिल्कुल हालत खराब? बिल्कुल सर, इधर हालत ऐसी खराब हुई है, अभी 2 दिन पहले इधर से मैयत हम लोग पानी के अंदर से निकाल के लेके गए और मैया था ना इधर जुमेरात जुम्मे को आप दर्द करके पानी इधर भरता, कोई इधर का स्पेटर कोई तवज्जो नहीं दे रहा किसी चीज़ का। आप हमारे साथ चलो घरों के अंदर, आपको हम पानी दिखा में अभी भी। और अभी ये काउंसलर या ये चेयरमैन या ये कोई इधर आता है या नहीं? इधर कोई तवज्जो देने नहीं आता, जिम्मेदार को बोलते हैं तो बोला जी क्या कर रहे अखबारों में दे दो कुछ भी दे दो, कोई हमारी सुनता नहीं है फरियाद। हम उधर बल्दिया गए चारों तरफ रुल गए, इधर माइयों को लेके निकले हैं।
कोई पा खुदा इधर हमारी कोई सुनने आ रहा फरियाद नहीं, तो ये फोटो खिंचवाने के नहीं डोल रहे इधर के उधर मीटिंग करते फिर रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा सही। ये इनका अगर ये अंदाजे गुफ्तगू है गवर्नमेंट के एम्प्लाइज का जो सरकार के मुलाजिम है, जो है अवामी सर ये अवाम के पैसे नहीं है सर, ये अवाम की तनख्वाह अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते सर, ये अवाम की खिदमत नहीं करना मसला यार। यहाँ तो हम चेक करने आए, हम खुद आए हैं ना कि टीम विजिट के लिए आए ना सर, देखे नहीं 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 कोई नहीं है, हमें नहीं पता किसने भर्ती की है, हमें नहीं पता किसने भर्ती किए, कौन लोग हैं, क्या क्या है, ना हमें कहीं एतमाद में लिया गया। ये तो अरसा दराज से है, सीएमओ साहब को मैंने बारहा कोई आज 3 महीने बाद ये अपने कमरे में से निकल कर आए, माजरत के साथ ये 3 महीने बाद निकल कर आए, ये इनकी साईं की मेहरबानी है अली मोहम्मद साहब की के कमरे में से इनको निकाल के लाए, आज अल्लाह के घर के सामने आप खड़े हैं। चेयरमैन साहब कहते हैं हमने पूरे शहर को सफा कर दिया। नहीं देखे हम चेयरमैन साहब हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी का काम नहीं है शहर को साफ करना, सही है। आप गवर्नमेंट के जो एम्प्लाइज हैं गवर्नमेंट का एम्प्लाइज गवर्नमेंट का काम करेगा, चेयरमैन साहब के काम जो अवामी नुमाइंदे नहीं, हमें नहीं पता 80 बंदे किसने अपॉइंट किए हैं, ना हम एज अवामी नुमाइंदा हमें नहीं पता किसकी अप्रूवल से हुए हैं, किसकी परमिशन से हुए हैं, हमें नहीं पता वो किसने भर्ती की है। इलाके के अंदर आते भी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल वो हमें ही नहीं पता भर्ती किसने की है, तो हमें क्या पता इलाके में कब आएंगे वो। नाजर इन वक्त असा अगर मौजूदा मीरपुर खास जो असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान खटी जो ताजो जो एक कमेटी में शामिल हो 80 स्वीपर हमलों भर्ती थो इन पैरी भी तकरीबन लगभग 200 मूँ, मगर मीरपुर खास शहर की इन वक्त भी हालत अड़ी लगी पी जो पैरी हमलो वो खबर ना किथे आ, पर शहर के अंदर कचरन जहा ढेर उन अलावा गटर के नाला उथलिया पेन एतरे तीन जगह इनकी पंपिंग स्टेशन आ उनकी भी तुम सूरत हाल ऐसी सोता। सर मीरपुर खास में अज तुम कड़े हिसाब से अज विजिट किया दिखो इन इलाके वासन जहाँ तुम कड़ा विचार? हाँ अस इलाके में तो वाकई सफाई प्रॉब्लम तो है, उन सिलसिले में अस असी स्वीपर सैनिटरी स्टाफ कयासी कंडीशनली डेली वेज से अपॉइंट, पर उन के हफ्ते जो असोस टारगेट कम ऐसू क्या था कन ये कम सही कंदा तो असो सो उन्हें परमिट कंदासूँ ऑफर ऑर्डर डींदी वही फर्दर हल्दी पर कम न कंदा तो असी असी बटे जहाँ नजर कोई को असके पर उन्हीं कर जो सो ये अपॉइंटमेंट अस अपॉइंट तो को डेली वेज से लेटर कियासी इनके इं डेली वेज से असोसी कम उनके करण के लिए, पर इन जो खातर खुआ कम को तेजी कर ऑर्डर कैंसिल कर अज जो व्यापारी भी निकल सिविल सोसाइटी या मानों निकल इतना के शहर भी तक रड़ी कर बुधन इन मसले जो हल सिर्फ ही फोटो सेक्शन आ या इन मानों जो पाड़ी भी निकलो ना उन मसला हल थी इन लाइन अस निकता चेक कर आया तो ये कम थे तो को थे उन टीम भी अस खयासी सिविल सोसाइटी के मू असा गड हुआ अपॉइंटमेंट करके भर्ती कई हुई कच्ची भर्ती उन सब अस ग वो ही असा चेक कर निकता हूँ। सर भर्ती में तुम सिविल सोसाइटी जहाँ मूँ खया सिविल सोसाइटी मानों जो किरदार कड़ो है मीरपुर खास शहर की सफाई जो कदें का रिपोर्ट दिनी था शहर की हालत लगी अज ताजरान ताजरान भी असा गड टीम में ताजरान मीरपुर खास ज व्यापारी एसोसिएशन सदर भी असा गड उन्हीं लाइन तो खयासी शहर जहाँ मानू अस चेक तो करूँ उन राय पुछू नजर आयो सफाई को इन वक्त अस मौजूद है व्यापारी अगवान अनीस अहमद खान अचो तो उन गाल करूँ तो मीरपुर खास शहर में व्यापारी अगवान हमेशा शहर के मसलन में हमेशा अगते हूँ मगर सबब आ जो इन वक्त मीरपुर खास शहर की असि पा हालत दिसूँ खंडरात बनो। सर क्या वजह है जो मीरपुर खास शहर अभी ये समझो कि पूरा गटर का देख दे रहा है? देखें बात यह है कि ये 8 साल से हम ये देख रहे हैं कि शहर मीरपुर खास तबाही के दहराने खड़ा है। एक उम्मीद बंदी थी कि ज़िले नाजिम आएंगे कौंसलर आएंगे तो काम होगा, लेकिन हमें कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आता। हमारे इलाके चले जाएं किसी भी इलाके में चले जाएं मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, डस्ट उड़ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तालाबों के हालात आप देखें बिल्कुल ख़राब है, और ऐसा लगता है कि यहाँ आपस में भी जो है खलिश नज़र आती है कि जो इन्होंने सीएमओ ने अपॉइंटमेंट किए हैं वो चेयरमैन को पसंद नहीं है, जो चेयरमैन करना चाहता है वो सीएमओ का आपस का इनका झगड़ा है जो नज़र सामने हमें नज़र जो आ रहा है जो हमने आज विजिट पर हम आए हैं और यहाँ हमने देखा तो सारा गंद भरा हुआ। इसका जिम्मेदार देखें इसका जिम्मेदार हम तो समझते हैं कि चेयरमैन है, चेयरमैन को चाहिए कि वो अगर उसे नहीं हो रहा तो एहतजाज करें, हम उसके साथ एहतजाज में शामिल होंगे नहीं समझे, लेकिन ये कहना किसी के दूसरे कंधे पर डालना ये भी गलत है। सीएमओ अगर काम नहीं सही कर रहा तो चेयरमैन के अंडर में है वो,
अगर चेयरमैन के अंडर में वो काम नहीं कर रहा तो उसको फारिग करें ना, और अगर जो जो लोग मुलाजिम काम नहीं कर रहे उन्हें फारिग किया जाए। मीरपुर खास इस वक्त तबाही के धराने पे खड़ा है, यहाँ ना कोई MPA ना MNA ना सेनेटर, किसी की नज़र इस पे नहीं है। वोट लेने के लिए 2018 में ये हमारे व्यापारियों के पास भी आएंगे और कहेंगे हमें वोट डालो, लेकिन खुदा रहा इस मीरपुर पर रहम करें, समझे। मैं CM से भी दरख्वास्त करूँगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करूँगा कि मीरपुर खास शहर सिंध का चौथा बड़ा शहर है, इस पर भी आप तवज्जो दें, यहाँ के लोगों पर तवज्जो दें, मेहरबानी। ये जो अफसर बात कर रहे हैं, अफसर अगर अपने कमरों से बाहर निकलें, जैसे आ जाएँ, ये महीनों के बाद 6-6 महीनों के बाद तो आते हैं, इन्होंने 80 आदमी भर्ती किए, वो 80 आदमी है किधर, हमें तो नज़र नहीं आते हैं, ये अफसर ही नहीं आते इधर, ये बाजार से अपने घर चले जाते हैं, दफ्तर से अपने घर चले जाते हैं। इस पहाड़े के अंदर आज 8 साल हो गए, ये हाल है, कितने अरसे से ये 8 साल से हालत है, सही 8 साल से। आपने चेयरमैन को बोला है कभी? चेयरमैन साहब परेशान है, बोल बोल के थक गए, चेयरमैन के बेचारे के हाथ में ही नहीं है, चेयरमैन की कोई सुनता ही नहीं है। अगर ये सुने, अभी कह रहे हैं कि चेयरमैन सब मिले हुए, अगर चेयरमैन मिले, चेयरमैन को कुछ मिले तो ही बात करें ना, चेयरमैन को बेचारे को तो भूखा रखा हुआ है, भले जो भी है ये पकड़े ना, अगर कोई खाता है तो पकड़े, अफसर अफसर को पकड़ता है ना, ठीक है ना, ये तो खाली बातें कर रहे कुछ भी। नाज़रीन, इन वक्त असां अगर मौजूदा मीरपुर खास जो CM हो, जो मीरपुर खास जो हियर विजिट ते निकतो, तो इतां जा माण्हू सराफा एहतियाज बनल उन सां गाल बोलता करे न, जैसा चढ़ सर, छा सबब आ जो मीरपुर खास में हियर ताज़ा एतरा भंगी भर्ती थियन, उन बावजूद शहर सजो ये समझो गटर जो देख दे रहा? अदा ही त हाणे ते रोजमर्रा जो को मसलो कोने, लोड शेडिंग जो मसलो होंद है, उन कर बंद तो थे तो वह कुहन में पानी उनकी कैपेसिटी है पूरी थे थी, उन कर खड़ी कि पानी निकरे तो, पर अक्सर पानी को हों, ठीक है, थोड़ा खड़ो गटर जो या उन मसलो होंद है, पर हे अज आऊँ पान ऐसी मतलब जो हैरान थे पे तो हे अज जैसे विजिट तो निकता है तो हे इतन मुख्य तो इो पाए तो शायद बे पास हल्दी उत पवन हाँ केतर इन का पैर असने तकरीबन 225 सैनिटरी वर्कर्स जो से कम कन था पाया, जो तकरीबन एवरेज बुनियाद से 4 सैनिटरी वर्कर क्या हूँ तो फी वार्ड में मोकलिया हूँ, 47 वार्ड हैं, पर ये को एक्चुअली थो कें 7 दिना पाया, कें 6 दिना पाया, कें 2 दिना, कें 4 दिना अन, अड़े नमूने के अन हिंसर ताजो जो DC साहब जो रिप्रेजेंट SC साहब कटी साहब वो सिलेक्शन कमेटी के हेड पे करे, सिविल सोसाइटी जो मोहम्मद बख्श कपड़ी साहब मेंबर हो, हेल्थ कमेटी जो चेयरमैन आफ्ताब कुरैशी साहब उन्हें मेंबर हो, अपोजिशन में नवाब कुरैशी साहब, अड़े नमूने करे असो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बहरहाल 80 मानू उन फाइनली मैरिट से रिकमेंड किया तो इनके तुम हफ्ते से एक्सपेरिमेंटल बेस से खड़ो इन कम वो जो कम सही समझ में आयो उन ऑफर लेटर दींदा। ये काउंसलर तुम्हारे सामूँ रड़ी पे कन चवन जैसे भर्ती थियन तो खबर ना किथे या तो ये तो को पे हों घर वेठे पगारू खा इनके पगार कल का ही लगा कल का ही लगा हे कल का ही लगा जो रोडन से लगा, ठीक है, मेन रोडन से सो मेन रोड तिठा हूँ सो तबाह पाया साल वी तबाही को हाँ मेन हि जो असान लगाया लेटर पे पल है उनमें को अंदर गली में या उत को लगा चाहे वार्डन में जो अगी मूल लगल। नाजरीन, मीरपुर खास के UC नंबर 3 जो हैदराबाद इलाके के वासन जहाँ तुम विचार बुधा इन चवण तो इन मीरपुर खास शहर में तकरीबन पैं भी 200-300 सफाई कदड़ अमलो है, इन वक्त ताज़ो जो 80 जणा इन भर्ती कयान, सिर्फ जो चंद मानू कम कन पाया, बाकी कम न करण के करे ही तवा इन जी डिस्पोजल उनकी हालत ऐसी सोता शहर जो रोड रस्तन की हालत ऐसी सो एतरे तीन जो नमाज से मानू वन वो को वही सन। हुकूमत के जिले इंतजामिया का घुर्जे तो फौरी तौर पर नोटिस वही म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन या म्यूनसिपल कमेटी के अमले उन्हें अलावा सफाई कदड़ अमले के खिलाफ कार्रवाई कई वे तो जी शहरी जो उनके पीण जो साफ पानी मिली सके, उनके अलावा जो इनके सफाई जगह थी मिले। कैमरामैन हबीबुल्ला लगारी, एजाज भट्टी सागर, नज़ीर पंवर, सिंध TV न्यूज़, मीरपुर खास।